तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी गाड़ी के पास खड़े होने की? तेरे बाप दादा ने कभी सपनों में भी देखी ऐसी गाड़ी? तेरी औकात भी है? तुझे पता तो दिल्ली के कितने पोश एरिया में खड़ी है, समझ आ गई? काम वाली आंटी कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे मैम, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? मैं तुझे बताती हूं क्या कर दिया मैंने। शाम तक आते ओ आंटी, मैं पकड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी गाड़ी के पास खड़े होने की? तेरे बाप दादा ने कभी सपनों में भी देखी ऐसी गाड़ी जो आगे चिपक गई है? बहन जी कहीं की साड़ी थी, कैसे काम वाली पहन रखी? कौन सी सोसाइटी में काम करती है? मैडम, मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? ओ ज्यादा जवान मत लड़ा, समझ गई? यहीं से कैंची की तरह काट दूंगी जब पटा पटा चला रही है मेरे सामने। ओ काम तो तेरी कुछ है नहीं हा? दो टके की तो साड़ी पहन कर आ गई और मेरी गाड़ी के पास खड़ी होगी? अच्छा सपनों में तो कभी देखी नहीं होगी। चलो सोचा कि चलो इसी के साथ चिपक के फोटो वोटो ले लूँ, है ना? मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या बात सुन तेरी? तू चुप रह, तू मेरी बात सुन, समझ आ गई? बहन जी आंटी सी चप्पल कैसे पहन रखी है साड़ी के नीचे? तुम्हारे नौकर पहनते हैं। तेरी औकात भी है? तुझे पता तो दिल्ली के कितने पोश एरिया में खड़ी है, समझ आ गई? काम वाली आंटी, तुझे घुसने किसने दिया सोसाइटी से अंदर? हाँ मैडम आप मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या पास सुनूं? गार्ड को तो धक्के मार के तुझे निकालना चाहिए फटीचर से। आगे चप्पल में देखो, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं है। मेरे को देखो और अपने आप को देख, तुझे धक्के मार के निकालना चाहिए सोसाइटी से। अरे इसका फोन तो देखो, क्या गांधी जी के जमाने का फोन? वाह आईफोन के जमाने में। आईफोन ना, इससे अच्छा फोन ना मेरे दादाजी के पास है, पकड़। सर ये कैसा व्यवहार कर रहे हो आप लोग? तेरे से बढ़िया ना मेरी काम वाली है, समझ है कि? तेरे से तो अच्छी उसकी औकात है, कम से कम तेरे जैसी तो नहीं है वो। टीचर सी तो साड़ी पहन रखी ऐसे, अच्छा है, बढ़िया है। मैं चंदा हाँ। सर आप लोग कैसा व्यवहार कर रहे हो आप मेरे साथ? कैसा करूँ? तू कहीं की प्रधानमंत्री लग रही है? औकात है नहीं मेरे आगे, मुझसे जवान लड़ाई जा रही है। ऐसा ही तेरे साथ होना चाहिए। तुझे क्या मतलब, मैं बहुत रिस्पेक्ट दूँ, बहुत इज्जत दूँ? अच्छा व्यवहार करो इनके साथ, छप्पन भोग लगवाओ, पूजो इनको, मैम साहब को बिठा के। भाषा देखो इसकी, गांव की गवार। मन तो करता थप्पड़ मार के हटा दूँ, पूरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गए। मैडम आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। कौन सा मौका चाहिए अब तुझे? मतलब तुम मेरे आगे बोलेगी? तू जानती है मैं कौन हूँ? अबे ओए तू इसके पापा के बारे में जानती नहीं है अभी? तू जैसे गरीब लोगों की ना औकात नहीं है जो मेरी दोस्त से कुछ बोल जाए। एक मिनट में अंदर करा दूंगी, समझ आ गई? सारी तेरे धरी के धरी रह जाएगी जो तू मेरे आगे जवान लड़ाई ना पटर पटर जो बोल रही है। मैडम मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका, आप ऐसे क्यों? गाड़ी आगे कैसे खड़ी हुई? गाड़ी आगे कैसे खड़ी हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कभी सपने में देखी ऐसी गाड़ी? हाँ चल ले फोटो ले दो, तेरी डाल लो। अच्छा तुझे तो पता ही नहीं होगा सोशल मीडिया ऐप क्या होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह क्या होता है ना? हमारी तरह तो नहीं, हम तो सारा टाइम रील्स वगैरह बनाते हैं, पर तुझे क्या पता आंटी जी? तो जानती भी रील्स वील्स क्या होता है? अरे वो गवार, तुझे पता नहीं कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे मेरी दोस्त के? रूबी नाम ना सर्च कर लियो इंस्टाग्राम पे, पता लग जाएगा कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं। अरे पांडे, हाँ पांडे, पता चल जाएगा कि मेरी औकात और ऐसे क्या थे। इंस्टाग्राम क्या होता है इसे क्या पता गवार को? सर आप लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हो मुझसे? तुम बोल ले, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे? चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। सैम चली आ रही है दिमाग खराब। मैम पर आप मेरी एक और बात तो सुन लो। क्या पूरी बात सुनो तेरी? तुझे तो मैं बताती हूँ बदतमीज से। क्या बात सुन रही? मुझसे जवान लड़ा रही है मुझसे? हाँ पता भी है मैं कौन हूँ? तुझे तो असल तुझे लगता जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी, ऐसे तो तेरी अकल आने वाली नहीं है। गोबर भरा हुआ है क्या दिमाग में? मैं बताती हूँ। मैम ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? मैं तुझे बताती हूँ क्या कर दिया मैंने। मैम ये क्या कर रहे हो? तुझे इधर देख, इधर तुझे तेरी औकात दिखाई है, ये तेरी औकात है, समझ आ गई? दोबारा भूल जाएगी किसी सोसाइटी में घुसने को, समझ आ गई? वे लड़की आज के बाद ना कुछ बोल मत दियो हमसे, हमारी दोस्त से। अकल आ गई होगी वैसे तेरे अंदर? मैंने क्या यही तेरी असली जगह है। गरीब लोग। मैम ये क्या कर रहे हो आप लोग? अब वो लड़की, वो तो शुक्र कर कि मेरे दोस्त ने तुझे उड़ते हुए लात नहीं मारी, वरना तुझे पता है इसने कराटे सीख रखे हैं, तेरी जान चली जाती यहीं पर। और वो तो हमारे अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा है, इसलिए तेरे को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ सॉरी बुलवा के तुझे छोड़ देंगे। चल सॉरी मांग। सर मैंने तो कुछ गलती नहीं करी, फिर मैं सॉरी क्यों बोलूं? वो ये टेस में भागे किसको दिखा रही है? मगर मैं क्या सू है, गलती नहीं करी मैं कि सॉरी बोलूं? गलती थी तेरी, समझ आ गई? इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी अभी तक तू इतनी ढीठ है, यहीं पे खड़ी है, अभी तक गई नहीं घर? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ कितनी बेशरम है। फाइल आपने मंगाई थी? फाइल भैया ये हो गया ना, आप इसको तो गाड़ी में डाल दो, मैं इनसे बात करती हूं। मैम क्यों बोल रही है? वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो तुम क्या कह रहे थे तुम दोनों कि तुम गवार सी हो, बहन जी हो? मैंने तुम्हारी गाड़ियों पे स्क्रैच डाल दिया, और तूने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट कहीं की प्रधानमंत्री? तो मैं तुझे बता दूं प्रधानमंत्री तो नहीं, पर हाँ तुम्हारे जिले की ना आईएएस ऑफिसर जरूर हूँ मैं। और तुम क्या बोल रहे थे मुझे कि क्या गांधी जी के जमाने का फोन रख रखा है, आईफोन नहीं रख रखा है तुमने, रील्स बनाती है, ये इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रील्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं रील्स बनाऊँ, पर हाँ लोगों की जो भलाई करना और सोशल काम जो होता है ना वो मैं करती हूँ। तो
तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम क्या बोल रहे थे, छप्पन भोग लगा दो मैडम को, इनको व्यवहार दिखाओ। तुमसे तो ह्यूमैनिटी की ना मैं उम्मीद ही नहीं रख सकती हूँ। और तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या करते हैं क्या नहीं। तुम क्या बोल रही थी मुझे, क्या बहन जी क्या साड़ी पहन रखा है, क्या चप्पल डाल रखे तुमने पैरों में। तो तुम्हें बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, हमारे डिपार्टमेंट में ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह मैं नहीं पहन सकती हूँ। और तुम क्या, तुम लोग क्या मुझे सिखाओगे, तुम्हें इंडियन कल्चर का पता भी है क्या होता है इंडियन कल्चर। फॉरेन अब्रॉड के लोग ना हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तुम क्या बोल रहे थे, इसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, तो चलो आज उनसे भी मिल ही लेते हैं, उनको भी बता देते ना उनकी बेटी लोगों से कैसा व्यवहार करती है। और तुम मुझे क्या सिखाओगी, कपड़े कैसे पहनते हैं, रहने सहने का ढंग तुम मुझे सिखाओगी। और तुमने क्या बोला था, तुमने मुझे चाटा मारा और उसके बाद क्या बोला था कि तुझे मैं तेरी औकात दिखाती हूँ। मेरी औकात तो तुम्हें पता चल गई होगी मैं क्या हूँ। और तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी जैसी सी गाड़ी है मैं चाहूँ ना 100 खड़ी कर दूँ, पर मुझमें ना लोगों को दिखावा करने का शौक नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग ना बने ही नहीं है इस चीज़ के लिए, तुम्हें तो पता ही नहीं ह्यूमैनिटी क्या होता है, लोगों की हेल्प करना क्या होता है। तुम बस सोशल मीडिया के लिए ना लोगों की हेल्प करते हो, दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये किया हमने वो किया, बट रियल लाइफ में ना तुम जैसे लोग ना किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, तुमसे तो किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। अरे यार तुम यूथ हो, अभी हमारे जनरेशन के यूथ हो, तुम्हें तो करना चाहिए कुछ, कुछ अच्छी चीज़ें देखो, उन चीज़ों को करो, पर नहीं तुम्हें तो पूरी टाइम सबकी बेइज्जती करनी है, किसी के कपड़े से किसी को जज कर लेना है। तुम मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रहे थे ना कि हाँ मैं गांव की गवार हूँ, मैंने साड़ी पहन ली, मैंने ये पल्लू ऐसे डाल लिया तो मैं गांव की गवार हो गई, और तुमने ये पहन लिया तो तुम बहुत ज़्यादा हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड हो गई। तो तुम्हारे जैसे हाई स्टैंडर्ड में ना मुझे आना ही नहीं है, मैं अपनी इसी साड़ी और इसी सिंप्लिसिटी में ना बहुत परफेक्ट हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे ज्ञान चाहिए ही नहीं। मैम आप इतनी देर से हमारी बातें क्यों सुन रही थी, तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। तुम तो अपने घमंड के नशे में इतना ज़्यादा चूर थी कि तुम मुझे बस मेरे साथ गलत व्यवहार किए जा रही थी। अगर अभी मेरा ऑफिसर नहीं आया तो तुम तो और मेरी बेइज्जती करते, तुम तो और भी मुझे सुनाते, तुम तो और भी मुझे चाटे मारती। मैंने आपके साथ जो भी किया, आपका फोन तोड़ा और आपको गिराया, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। और शायद आज के बाद कभी जिंदगी में मैं किसी से तू करके भी ना बोलूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। और तुम क्या बोल रहे थे तुम दोनों कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े ऑफिसर है, तो बुलाओ उनको, कभी मेरे ऑफिस में लेकर आओ, मैं भी उनसे मिलूं, मैं भी तो उनको बताऊं ना उनकी बेटी कैसी है, कैसे लोगों से व्यवहार करती है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसने कैसे दोस्त बना रखे हैं। कम से कम तुम्हें तो इसको समझाना चाहिए ना कि क्या कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, पर नहीं तुम भी उसके साथ नशे में चूर थे कि हाँ किसी की बेइज्जती कर देनी है, किसी को कुछ भी सुना देना है। तुम्हारी नज़र में लोगों की इज्जत नहीं है क्या, कोई गांव जैसा अगर किसी ने साड़ी पहन ली तो वो गांव का हो गया क्या, गांव वाले लोगों ने कभी तुम्हारी बेइज्जती करी है ऐसे, कभी किसी ने बोला तुमने क्या पहन रखा है, इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुमने ऐसा क्यों पहन रखा है, ऐसा लुक क्यों बना रखा है। नहीं ना, क्योंकि हम ना किसी इंसान को ना उसके कपड़ों से जज नहीं करते हैं, हमारे अंदर ना इतना संस्कार और रीति संस्कृति सभ्यता है, हमें पता है लोगों को कैसे व्यवहार करना है, लोगों से कैसे बातें करनी है। और तुमने क्या बोला था कि मुझे तुम अंदर करा दोगी, मैं चाहूँ ना तो चुटकियों में तुम दोनों को अंदर करा दूंगी, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हारे पापा की इतनी अच्छी इज्जत है, ऑफिसर है वो, और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, तुम तो उनका इज्जत कहीं का नहीं छोड़ोगी। तुम्हारे जैसे बच्चे हो ना तो इंसान को ना दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉरी मैम, हम लोगों से जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, हम इतना गलत करते गए और आप सहते गए, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आपने हम दोनों की आंखें खोल दी, आगे से हम किसी को कभी भी ऐसे जज नहीं करेंगे उसके कपड़े देख के, उसका पहनावा देख के, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी मांगते हैं। सही कह रहे हो, और क्या, जो जैसा पहन के खुश है वो उसमें खुश है, अगर हमें शॉर्ट्स और वन पीस अच्छे लगते हो तो किसी को साड़ी और सूट अच्छा लगता है। आप अपनी जगह बहुत सही हो और हम गलत, हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर अब तुम दोनों में अक्ल आ गई हो ना तो दोबारा किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करना। मैम एक मिनट, मैम ये आपका फ़ोन, इसके लिए मैं सच में दिल से सॉरी बोलती हूँ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। चलो अब मुझे ना लेट हो रही है, मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, चलो निकलो।